कक्षा 8 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 हिंदी की जो ब्लूप्रिंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपके इस वीडियो के अंदर पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है। और अगर आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आप हिंदी के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी पेपर की आपको तैयारी करनी है। तो ये ब्लूप्रिंट है आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा की, और इस ब्लूप्रिंट में जो आपकी हिंदी की बुक है जिसका नाम है आपके वसंत, और दूसरा आपके जो व्याकरण है हिंदी की, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ कि हिंदी की जो बुक है वो आपके कितने मार्क्स की है, हिंदी व्याकरण आपके टोटल कितने मार्क्स की है, और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन सा टॉपिक आपके कितने मार्क्स का है, तो पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को कम्प्लीट आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, और इससे पहले मैंने कक्षा 8 आपके गणित और विज्ञान की जो ब्लूप्रिंट है वो भी, उस पर भी मैंने वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हिंदी बुक की अगर हम बात करें तो हिंदी बुक है आपकी जिसका नाम है वसंत, ओके। अब वसंत वाली जो बुक है प्यारे बच्चों, ये आपके टोटल कितने मार्क्स की है, ये टोटल आपकी प्यारे बच्चों 45 मार्क्स की है, यानी 45 मार्क्स के इस बुक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं आपके, जो मल्टीपल चॉइस हैं, जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ओके। और जो सेक्शन ए में आने वाले हैं, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो टोटल कितने पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। यानी शुरू के जो 5 जो प्रश्न हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। तो 5 अंक के आपके टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, ओके। ये आपके बुक के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके बुक का अति लघुतरात्मक प्रश्न, और बुक से जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनमें कुल प्रश्न कितने आएंगे, आपके कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी बुक से जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं उनमें प्रश्नों की जो संख्या है मेरे बच्चों वो कितनी होगी, 4। यानी 4 आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है वो आपके कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 2 अंक का आएगा। तो टोटल 8 अंक के आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो बुक के पूछे जाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो टाइप है आपके क्वेश्चंस का वो है आपके लघुतरात्मक प्रश्न। अब बुक से जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, ओके। और लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके कुल कितने पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न। यानी बुक से जो लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे उनमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहेगी, आपके 5, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, 4 अंक का होगा। तो 20 अंक के आपके कुल लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो प्यारे बच्चों जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपके कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 2। यानी 2 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे, ये भी आपके बुक के क्वेश्चन होंगे। और अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 6 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 12 अंक के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो बुक है वो आपके टोटल हिंदी की जो बुक है बसंत वो आपके टोटल 45 मार्क्स की आने वाली है। तो 45 मार्क्स हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उस पर भी हम वीडियो है वो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें। और यहाँ पर अब हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण मेरे बच्चों वो आपके टोटल कितने मार्क्स की है, 35 मार्क्स की है। यानी हिंदी व्याकरण से भी एक ही क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, 35 मार्क्स हैं वो आपको पूरे लाने हैं, ओके। तो 35 मार्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम गद्यांश की बात करें, तो गद्यांश वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो 8 नंबर का आएगा।
तो 8 नंबर है ये आपके कटने नहीं चाहिए, गद्यांश को अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, रोजाना एक गद्यांश है वो आपको सोल्व करना है, हल करना है। उसके बाद में देखिए प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र है और प्रार्थना पत्र के अथवा में एक क्वेश्चन आएगा आपके संवाद। ओके, इन दोनों में से एक आपको करना है, तो दोनों आपको आने चाहिए। ओके, या तो आप प्रार्थना पत्र को अच्छे से सीखें या संवाद बनाना अच्छे से सीखें, तो ये आपके टोटल कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। यानी एक गद्यांश आएगा जो टोटल कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का, और एक प्रार्थना पत्र आएगा जिसके अथवा में संवाद होगा, ये आपके कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों निबंध। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में निबंध, और निबंध है वो आपको 4 निबंध दिए जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस विषय पर आपको निबंध लिखना है, और ये आपके 8 अंक का आएगा। ओके, तो हम आपको 2 या 3 जो आपके एग्जाम में आने वाले निबंध है वो भी, उस पर भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो वो वाला भी वीडियो आपको देखना है। ओके, तो निबंध है वो आपके बोर्ड में कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, तो 8 नंबर की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है व्याकरण का वो है आपके विशेषण शब्द। अब आपको कुछ विशेषण दिए जाएंगे और उनसे आपको वाक्यों का निर्माण करना है। ओके, जैसे आपको एक विशेषण दे दिया यहाँ पर का, का से आपको जोड़कर वाक्य बनाने हैं, तो इस प्रकार से जो विशेषण शब्द वाला जो टॉपिक है वो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों विलोम शब्द, अब आपको 2 विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 2 शब्द दिए जाएंगे जिनके आपको अपोजिट लिखने हैं, जिनके आपको विलोम लिखने हैं, विलोम शब्द बताने हैं, तो विलोम शब्द वाला जो टॉपिक है ये आपके कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और उसके बाद में हम बात करें मुहावरों की, तो मुहावरे हैं वो भी आपके यहाँ पर 2 वाक्य दिए जाएंगे आपको, और उन 2 वाक्यों के मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको आना चाहिए, ये भी आपके कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और उसके बाद में उपसर्ग, ओके, जो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा उपसर्ग वाला जो प्रश्न है वो आपको वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर का होगा। और क्रियापद वाला जो प्रश्न है ये भी आपको वस्तुनिष्ठ में होगा, मल्टीपल चॉइस में होगा, जो 1 नंबर में आएगा। और रेखांकित शब्द का अर्थ ये भी आपके मल्टीपल चॉइस में होगा, वस्तुनिष्ठ में होगा, जो आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी की जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।